इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी कहते हैं। आज तक के इतिहास में यह अंतरिक्ष में बनाया जाने वाला सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह है, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको 5 देशों ने मिलकर बनाया है, जिनमें कनाडा, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती का चक्कर काटते हुए यह उपग्रह नई तकनीक, खगोलीय, पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है, जो धरती से 400 किलोमीटर उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में अंतरिक्ष में ले जाकर इसके कक्ष में स्थापित किया गया। 20 नवंबर 1998 को सबसे पहले रूस का रशियन बिल्गजारिय मॉड्यूल लॉन्च किया गया और इसको ऑर्बिट में सही से स्थापित किया गया। उसके बाद 2 नवंबर 2000 तक इसको इंसानों के लिए रहने लायक बनाया गया और उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई व्यक्ति न रहा हो। और साल 2011 में यह स्टेशन लगभग पूरा हो गया, जैसा कि आज दिखता है। आज भी एस्ट्रोनॉट बारी बारी से वहां आते जाते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इसमें नए नए उपकरण जोड़ते हैं और जहां पर यह टूटता है वहां पर इसकी मरम्मत भी करते हैं, ताकि यह लंबे समय तक सही सलामत चलता रहे। इसका आकार 109 मीटर बाय 73 मीटर यानी एक फुटबॉल ग्राउंड के जितना है। यहां एस्ट्रोनॉट के रहने, खाने पीने, सोने, टॉयलेट, बाथरूम, लैबोरेटरी का सारा इंतजाम है, जहां एक बार में 6 एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह सकते हैं। तो अब आप यह जान ही चुके हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो अब यह जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है। तो यह बात तो आप जान चुके हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स रहते हैं और वहां लैब में तरह तरह का अध्ययन करते रहते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी को और विकसित किया जा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाता है, यानी यह स्टेशन 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स एक बार में आराम से रह सकते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी में यहाँ और लोग भी रह सकते हैं। अभी तक यहाँ सबसे ज्यादा 13 लोग एक साथ रह चुके हैं। जो भी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ काम करते हैं, उनके लिए यहाँ जिम भी होता है, जहाँ एक्सरसाइज के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर दूर है, जहाँ ग्रेविटी ना के बराबर है और इतनी कम ग्रेविटी में धरती पर रहने वाले किसी भी जीव की हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। इसलिए वहाँ एस्ट्रोनॉट्स वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, ताकि वापस धरती पर आकर उन्हें कोई तकलीफ न हो। यहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक रेडिएटर भी लगा होता है, जो वहाँ के तापमान को धरती के जैसा ही बनाए रखता है, ताकि वहाँ रह रहे साइंटिस्ट्स को कोई दिक्कत न हो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक सोलर रे विंग्स लगे हुए हैं, जो सूर्य की रोशनी से ही 84 सेकंड 120 किलोवाट्स की बिजली जेनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ रोबोटिक आर्म्स भी लगे होते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब भी धरती से कोई नया पार्ट स्टेशन पर जोड़ने के लिए भेजा जाता है, तो यह रोबोटिक आर्म्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर एस्ट्रोनॉट्स उस पार्ट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सही जगह पर जोड़ देते हैं। और इसी तरह जब धरती से अंतरिक्ष यात्री उस स्टेशन पर जाते हैं, तो वह अपने शटल को स्टेशन के पास ले जाते हैं और फिर स्टेशन की रोबोटिक आर्म्स उनके शटल को पकड़कर डॉकिंग स्टेशन पर जोड़ देता है और इस तरह वे लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाते हैं और पहले से रह रहे एस्ट्रोनॉट्स उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फिर पुराना एस्ट्रोनॉट्स का दस्ता उस शटल से वापस धरती पर आ जाते हैं और नया दस्ता अपने काम में लग जाता है। और यहाँ आने जाने की यह प्रक्रिया महीने दो महीने में लगी रहती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो यहाँ धरती पर नहीं हो पाते हैं। देखा जाता है कि वहाँ इंसान की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और भी बहुत से टेस्ट किए जाते हैं,
जो हम भी नहीं जानते। इसके अलावा इस स्टेशन से हम धरती के मौसम को, धरती पर होने वाले बदलाव को भी देख सकते हैं।